सर्वप्रथमे यही रेड कलर बटन पर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु तापर यही बेल आइकन पर प्रेस करी आपण ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु देन आपण वीडियो लिस्ट जाय रिसेंट वीडियो सब चेक कर परिबे नत प्लेलिस्ट जाय मध्य डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक करी आपण निज पसंद मुताबिक वीडियो को देखि परिबे। नमस्कार मु निरंजन दक्षता इंस्टीट्यूट रही ऑनलाइन क्लासेस को समस्त को स्वागत करू छी। आजरो वीडियो रे आमी दशम श्रेणी बीजगणित रो द्वितीय अध्याय रे थिबा द्विघात समीकरण बा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रो बेसिक विषय आलोचना करिबा देन द्विघाती समीकरण को किभलि आमी पूर्ण वर्ग रे परिणत करी ताकु समाधान करिबा त से संपर्क रे डिटेल्स आज आलोचना करिबा। त चलंतु आरंभ करिबा आज रो वीडियो। सर्वप्रथमे आमी द्विघात समीकरण आलोचना करिबा पूर्वरु आमे प्रथमे जानि रखिबा दरकार जे समीकरण कोन आउ पॉलिनोमियल कोन। ठीक अछि त देखो पिले छी मानकर मु लेखली x + b त ये हला गुटे पॉलिनोमियल। ठीक अछि एठो जेहेतु कोन अछि देखो एठी पिले x रो घात केत अछि किछ नै अर्थ एक अछि छी त याकु बाजबो कोन आकु बाजबो एक घात पॉलिनोमियल। ठीक अछि एबे कोन करिबा देखो ए पॉलिनोमियल रो आमे कोन करिया उटे समीकरण प्रकाश करिबा त पॉलिनोमियल ता केते बेले समीकरण पर जेते बेले तार मूल्य थिबो। ठीक अछि देखो एठी ax + b अछि त एठी जे मूल्य प्रकाश कर देबा जदी इक्वल 0 हेडा ता लाकु को आजबो गोटे समीकरण त एटा की समीकरण पर जेहेतु एठी कोन अछि x रो घात 1 अछि त ये हिजबो कोन गोटे एक घात समीकरण बुझि पालो पिले। एबे देखो आमे कोन करिबा एठी कोन करिया आमे जदी द्विघात पॉलिनोमियल नबा त ई कोन जेबो देखो ये जेबो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक अछि त एठी कोन बा जेतेबे आमे इक्वल 0 करि नथिबा त सेतेबे पंद ई कोन जेबो ई होबो गोटे द्विघात पॉलिनोमियल ये जेबो कोन गोटे द्विघात पॉलिनोमियल। ठीक अछि आकु को जेबो द्विघात पॉलिनोमियल जेते बेले यार मूल्य हम प्रकाश कर दवा इक्वल 0 करी तो ये जीव कोन गोटे द्विघात समीकरण। ठीक अछि ये जीव गोटे द्विघात समीकरण। एबे देखो पिले जदी आमे एठी कोन करबा त्रिघात समीकरण बाहर करबा त प्रथम कोन करे त्रिघात पॉलिनोमियल देखबा त ई कोन जीव जदी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx + d इज इक्वल जदी 0 हुए त लाकु को जीव कोन गोटे त्रिघात समीकरण बा एठी कोन हबो गोटे त्रिघात पॉलिनोमियल त एठी को हबो कोन त्रिघात पॉलिनोमियल। ठीक अछि त्रिघात पॉलिनोमियल आउ एठी कि जतले आमे इक्वल 0 कर दवा त ई हि जेबो कोन गोटे त्रिघात समीकरण। ठीक अछि एबे आमे देखिबा एठ जो देखो पिले ए जो एक्स उडा को देखु छ ए एक्स हो जी कोन ए एक्स हो चारो अज्ञात राशि। ठीक अछि एक्स हो चारो अज्ञात राशि बुझ पाले पिले बाकी जो तमे देखु छ इठी एठ देखो ए अछि बी अछि एठ देखो ए अछि बी अछि सी अछि एठ मध्ये ए अछि बी अछि सी अछि डी अछि ए सब जाक होउछि गोटे गोटे चल राशि याकु कोन कह जाछि ए बी सी डी एटा कहू छी गोटे गोटे चल राशि। ठीक अछि चल राशि माने कोन माने एठी ए रो मूल्य केते भी हे पारे बी रो मूल्य केते मधे पारे सिमिति सी डी मूल्य ए गुडा को मूल्य केते भी उठै पारे 1 2 5 7 जहां भी उठै पारे त यार या को बाजा छी कोन चल राशि। त एठी मन रख पिले जेतेला हमें समीकरण लेखु जे त सी जेते घाती समीकरण थिवो जेमि एक घाती समीकरण ले कोन सर्वाधिक घात ए कहिथिला त एठी x रो सर्वाधिक घात केथिला ए कहिथिला तो सेमिति द्विघात समीकरण कोन हेतिला सर्वाधिक घात 2 हेतिला सेमिति त्रिघात समीकरण कोन हेतिला सर्वाधिक घात 3 हेतिला। तो एठी मने रख जते बेले जो समीकरण कोन हेतिला मनकर एक घाती समीकरण जदि कोन दिथिबो ताले सेठी x रो जोठी सर्वाधिक घात हेतिबो तार सहग जेछि तो एठी कोन अछि ए अछि तो ए सब गुडा कर मूल्य केबे भी 0 सहित समान हबो नाही अर्थात ए इज नॉट इक्वल 0 होइट। ठीक अछि सिमे द्विघात समीकरण के अछि x स्क्वायर सहग के अछि ए अछि तेनो एठी मध्य ए रो मूल्य केबे भी 0 हे पारिबो नाही त एमे सब गुडा कर कोन हबो ना ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो अन्य गुडा कर मूल्य 0 होले चलिबो बुझ पाछ अन्य गुडा कर मूल्य जदी 0 एड जदी बी 0 होला एड जदी बी सी 0 होवे नते बी सी डी 0 होवे त ए गुडा को 0 होले चलिबो
किंतु ए रूल्य जीरो न होगाक पड़ो। अच्छा तुम मन में प्रश्न उठु जदि जीरो हुए कौन हम देख पे जदि जीरो होगा तो देख मुझे कौन करी जदि ए रूल्य जीरो पकड़ा तो कौन जीव ए इंटू एक्स अच्छे तो ये जब जीरो पकेबा तो जीरो इंटू एक्स कौन जीव ए टोटाल पार्टा कौन पड़े आसो जीरो पड़े आसो ठीक अच्छे। तो ये बी कौन अच्छी बी हूँ गोटे ध्रुव संख्या जीव ये तो ये कौन हम इक्वाल जीरो ये असंभव हो ठीक अच्छे। देन जब ये आम देखा ए एक्स स्क्वायर अच्छे जब ये ए रूल्य जब जीरो पकड़ा तो ये पार्टा कौन पड़े आसो जीरो पड़े आसो ठीक अच्छे। जब ये जीरो होगा देन बी एक्स प्लस सी ये कौन हो गए एक घात समीकरण हो तो आम जो द्विघात समीकरण नहीं तो यहाँ भूल पड़े आसा ठीक अच्छे। जब ये आम जीरो पकड़ा तो ये पार्टा कौन हो गए एक घात समीकरण होमें जब ये आम जब जीरो पकड़ा तो ये जब पार्टा कट जाए जीरो देन रहा कैसे कैसे तो ये कौन हो गए द्विघात समीकरण जीव तो आम जो त्रिघात समीकरण बोलिए नहीं तो ये द्विघात समीकरण सी परिवर्तन हो तेणु ये आम कौन करवा ना ये जो ए रूल्यटा कौन हम केवे भी आम जीरो करवा ना ए इज नॉट इक्वल टू जीरो पड़ो ठीक अच्छे। तो ये आउ गोटे कथ मन रखिले जितेबाला यार आम मूल बाहर करवा समाधान बाहर करवा तो मन रख ये जदि एक घाती समीकरण आम नहींचे तो तार समाधान के बाहर गोटे बाहर ठीक अच्छे। जेहतु आम कौन कर एक्स प्लस बी इक्वल जीरो नहींचे तो एक्स प्लस बी इक्वल जीरो देन एक्स इक्वल के माइनस बी हो देन एक्स इज इक्वल तो माइनस बी बाई ए ठीक अच्छे। तो ये समाधान के गोटे सीमें जब आम द्विघात समीकरण नहीं तो द्विघात समीकरण आंसर दुटा बाहर दुटा मूल बाहर ये तो सेमती त्रिघात समीकरण तार तीन टा मूल बाहर तो ए प्रकार हुए ठीक अच्छे। ये आउ गोटे कथा मन रखी पीले जदि गोटे समीकरण में तार अज्ञात राशि जितना थी तो आमको समाधान करने समीकरण दरकार पड़ो। जमी देख आम पूर्व पाठ पढ़ते प्रथम अध्याय पढ़ते सह समीकरण पर तो सह समीकरण कौन थी सह समीकरण थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो देन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो तो ये आम कौन प्रथम अध्याय पढ़ते तो ये जितेबाला आम आपको समाधान करुले तो कौन कौन दरकार पड़ता है दुटा समीकरण आमको दरकार पड़ता तो आम पूर्व अध्याय तो जहाँ भी किसी पढ़ुते से सब गुड़ा दुटा लेखा समीकरण दूसरा कारण कौन ना कारण ये दुटा लेखा अज्ञात राशि अच्छी ये कौन अच्छी एक्स वाई दुटा अज्ञात राशि अच्छी तो जेहतु ये दुटा अज्ञात राशि अच्छी तेनाली समाधान करने आमको दुटा समीकरण दरकार पड़ा तो ये देख पिले ये कौन अच्छे ना ये आमको दुटा लेखा समीकरण आवश्यक पड़ो ना केवल गोटे समीकरण जेहतु आम द्विघात समीकरण पर आलोचना करवा टपिक अच्छे आज द्विघात समीकरण तो ये कौन हम आम जो आपको समाधान करवा केवल गोटे समीकरण देदे हिं आम उत्तर पलास कारण कौन ना ये जो आम नहीं अज्ञात राशि ये अज्ञात राशि केवल गोटे अच्छी कौन अच्छी केवल एक्स ही अच्छी ठीक अच्छे। तो जदि एक्स थी मैंने वाई ना मतलब ये वाई थी ये वाई थी ठीक अच्छे। तो जेहतु यार अज्ञात राशि केवल गोटे हुए तो समीकरण भितर जेतु अज्ञात राशि गोटे हुए तेणु आमको ये कौन ना गोटे समीकरण ही यार समाधान आम निर्णय कर तो आम जापारे जे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हूँ द्विघात समीकरण रूप या कौन कह स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म बोली कह ठीक अच्छे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो तो ये हूँ कौन द्विघात समीकरण रूप एवं आम जाना जे या कि समाधान करवा ठीक अच्छे। या समाधान करने तीन टाइम उपाय समाधान कर देख पे तो गोटे हूँ उत्पादकीकरण जोड़ा तुम एइथ क्लास नाइन्थ क्लास पढ़ी तुम्हें उत्पादकीकरण अनुसार आम समाधान करते जहाँ को फैक्टराइजेशन कह दे आउ गोटे अच्छी कौन पूर्ण वर्ग परिणत कर समाधान कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक अच्छे। आउ गोटे अच्छी द्विघात सूत्र प्रयोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ठीक अच्छे। तो या भितर जो उत्पादकीकरण ये अच्छे तो यहाँ को आम अलरेडी एइथ नाइन्थ क्लास पढ़ी सारे तो ये जो आम जो दशम श्रेणी जो पढ़ा तो ये दुटा ही आम जाना तो गोटे हूँ पूर्ण वर्ग परिणत कर किभली समाधान कराए आउ गोटे हूँ द्विघात सूत्र प्रयोग करमाधान करवा तो से विषय में आम आलोचना करवा। तो आज भिडियो आम केवल यही पूर्ण वर्ग किभली परिणत कर समाधान कर तो से विषय आलोचना करवा। तो प्रथम गोटे उदाहरण नहीं आम देखा तो ये आम जाना गोटे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग परिणत कर किभली समाधान कराए तो देख ये मुझे क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग परिणत कर छ एक्स स्क्वायर प्लस एगार एक्स प्लस तीन इज इक्वल टू जीरो समीकरण समाधान कर। तो देख पे ये आउ गोटे कथ कही रखुची जे जो पूर्ण वर्ग परिणत कर जो समाधान करने या कौन करते भारतीय गणितज्ञ श्रीधर आचार्य प्रतिमा को बाहर करते किए श्रीधर आचार्य ठीक अच्छे। तो श्रीधर आचार्य प्रथम या व्यवहार करते संपादन करते ठीक अच्छे। तो ये देख आम कि समाधान करवा तो प्रथम आम आपको लिखिद समीकरण कौन अच्छे छः एक्स स्क्वायर प्लस एगार एक्स प्लस तीन इज इक्वल जीरो अच्छे। तो ये कौन करवा
ए इक्वल केते हला 6 हला त एक्स स्क्वायर 100 गजे छि से जो ए देन बी इक्वल केते हबो एक्स रा 100 केते 11 त लिखली 11 देन सी इक्वल केते ध्रुव संख्या छि केते 3 त एठ देखो पिले आमे आकु समाधान किबल करबा त प्रथमे आमे जानिबा जे गोटी आमे 7th 8th क्लास रे सूत्र पढ़थिले जे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये टाइम पढ़थिले तो देम उल्टे के लिखिया ताको कोन हबो ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल कोन होतला ए प्लस बी रो होल स्क्वायर होतला ठीक सही बोली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल कोन होतला ए माइनस बी रो होल स्क्वायर होतला तो हमर काम होची वर्तमान ए जो समीकरणटा अछि ए समीकरणटा कोन करबा ना ए फॉर्मेट रे हमें सजई देवा ठीक अछि जे तो एटी प्लस 11 एक्स अछि तो एटा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर अनुसार हबो ठीक अछि त एठे जहां अछि ए अनुसार हमें कोन करबा ए जो समीकरणटा अछि सजई देवा तो प्रथमे कोन अछि ए स्क्वायर अछि अर्थात ई कोन होय पूर्ण वर्ग हो जाय छि ये ठीक अछि पूर्ण वर्ग तमे जानिथिबो जेंति 81 रो वर्गमूल केते 9 ठीक अछि 81 रो वर्गमूल होछि 9 सेंति 81 एक्स स्क्वायर जदि वर्गमूल काटे ताले कोन होय 9 एक्स हिजबो ठीक अछि तो जो संख्या गुडा अगर वर्गमूल बाहरी पाउछि त सिउछि कोन होय पूर्ण वर्ग संख्या तो सेमती एटी जो 6x स्क्वायर अछि त 6x स्क्वायर त वर्गमूल बाहर परबनी कोन पई ना 6x स्क्वायर अछि जदि यार वर्गमूल काडबा ताले कोन छबो ये x स्क्वायर से x बाहर पडियो किंतु ये जो 6 त वर्गमूल बाहर परबनी ठीक अछि त हमर काम होछि वर्तमान याकु कोन करबा ये जो 6x स्क्वायर अछि याकु हम प्रथमे पूर्ण वर्ग परिणत करबा त एटा कोन हबो जदि 6x स्क्वायर अछि हेले त हम याकु कोन करबा 26 कले ये कैंसिल हेकि कोन x स्क्वायर पूर्ण वर्ग होइ छबो नाय जदि कोन करबा याकु गुणी परबा तो केतरे गुणी परबा सेटा आमे क्वेश्चन को देखि रे आमे कर परबा ठीक अछि बेले बेले 4 ए गुणा जाय ठीक अछि एटी जेतु 1 त अछि 6 अछि त 6 को 4 गुणले केते जइबो ये 4 * 6 कले केते 24 हिजबो त एठा आमे कोन करबा बोथ साइड रे 24 लेखे गुणी के मध्ये आमे ताको समाधान करि परबा ठीक अछि त एठी तमे को जो समीकरण देछि याकु समाधान करिया पे तमे 2 / 6 करि कहि परबो जेतु 2 / 6 कले कोन जइबो ये 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 अछि त एठी 2 / 6 कले सब जक 2 / 6 छै पळै आसीबो ठीक अछि त 6 कैंसिल एक्स स्क्वायर हिजबो किंतु एठी कोन होय ना ए जो बाय हिजबा जो एटा टिके क्रिटिकल सिचुएशन पळै आसीबो एटा भूल होबनी ठीक होबो किंतु तमु टिके कष्ट लागबो त आमे कोन करै एठी 4 ए द्वारा गुणि करै हम समाधान करबा त एठी 4 को 4 ला ए रो मूल्य केत अछि 6 छै त बोथ साइड आमे कोन करै 24 लेखे गुणिबा ठीक अछि त देखो आमे कोन करै देखो बोथ साइड रे 4 ए द्वारा मल्टीप्लाई करै आमे को समाधान करबा त देखो प्रथमे कोन करै लिखि दवा उभय पार्श्व रे उभय पार्श्व रे 4 ए એટલે કેતે જો 4 ઇન્ટુ કેતે 6 તો કેતે 24 એલા દ્વારા 24 દ્વારા ગુણન કરલે ઠીક છે તો જદી 24 દ્વારા ગુણીવા તાલે કોણ છે પ્રથમ સમીકરણ આપ લખી દઉં દેખો કોણ છે સમીકરણ 6x² + 11x તો એટલે તમે ઇક્વલ કરતા એ કોણ જો -3 હી જો એબા આમે કોણ કરે બોથ સાઇડ 24 ગુણા તાર તો એતી કીરા આમે કોણ કરે 24 ગુણીવા देन या सहित आम मध्य 24 गुणवा बुझ पाल तो देख यापर कौन हम ये कैसे 24 इंटु 6 तो 24 चौक के 144 तो 144 एक्स स्क्वायर है एवं कौन कर देख प्लस 24 को 11 गुणवा तो 24 को 11 गुणले के 24 को 11 गुणले के 24 24 कह 4 × 4 = 6 264 है तो ये कहते 264 एक्स है देन इक्वल के 24 3 के ये माइनस 72 तो ये हम सूत्र पढ़ते कौन थी सूत्र ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी रो होल स्क्वायर एटा हमें जस्ट पढ़ते तो ये कौन थी ना प्रथम ए स्क्वायर हमें कन्वर्ट करवा तो ये कौन आस देख जेहतु 144 एक्स स्क्वायर अच्छी तो ये कौन जीव 144 वर्गमूल के 12 है देन एक्स स्क्वायर अच्छे तो एक्स है तो यार होल स्क्वायर है तो अर्थ कौन 144 एक्स स्क्वायर को आम कौन कले 12 एक्स रोल स्क्वायर करदे ठीक अच्छे तार ए स्क्वायर बर्तमान कम सरगला ठीक अच्छे कौन हम प्लस प्लस कर देख 2ab अच्छी तो ये हम कौन करवा 2 लिखी देली देन ए के अच्छी 12x अच्छी तो 2a है एवं हम कौन करें ये बी पकेवा तो ये बी के देख पिले ये बी एमती पकेवा पड़े जिन सब जाक गुणिले 264 एक्स हो ठीक अच्छे तो ये कैसे 12 दुगुणे 24 एक्स पड़ेगा तो 24 एक्स बर्तन आते गुणिले 264 एक्स हम ठीक अच्छे तो 264 एक्स को जब आम 24 एक्स डिवाइड करदे तो एक्स एक्स ही कट जा ठीक अच्छे एवं ठीक कैसे रहो देख 24 ले के त 11 प्लस तार तो एठी बी के त प्लस ला 11 प्लस ला बुझि पाला पिले एठी भला बुझाओ चेष्टा करो एठ जत हम बुझि गलो त आगु को हमें पूरा स्पीड ले कर गेली पळेबा ठीक अछि एति बुझि पाला तार त कोन ला ए स्क्वायर प्लस 2 अभी प्लस ला ठीक अछि एबे देखो ए 2 को 12x को 11 तब जति तीन जा गुणिबो तार 264 एक्स हे जइबो एबे देखो पिले कोन ला
ए स्क्वायर हेला 2 बी हेला देन हम कोन करे बी स्क्वायर करे तो बी जे तो हम जान देले 11 बोली तो 11 बर्तन स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर हेला इज इक्वल केते थिला ना माइनस 72 थिला तो एटी टिक भलाबर देखो पिले जे 144 एक्स स्क्वायर बदल रे हम 12 एक्स होल स्क्वायर कर देले से 264 एक्स बदल रे हम 2 * 12 एक्स * 11 कर देले सिम देखि 11 स्क्वायर एट कर थिले कि एट नथिला हम एक्स्ट्रा पके दिजे तो जेहेतु हम एपर साइड रे पके छे एलएच साइड रे पके छे त सिमिति आरएच साइड रे मते हम कोन करे 11 स्क्वायर पके बाई छी त एटा कोन हिजबो प्लस 11 स्क्वायर बुझि पाले पिने या पर देख हम कोन करबा तो एट होती देखो कोन हला ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल कोन हला ना a प्लस b रो होल स्क्वायर बुझि पाले पिने त एटी a थिला केते 12x b थिला केते 11 त 12x प्लस 11 रो होल स्क्वायर इज इक्वल के तब देखो माइनस 72 छि देन प्लस 11 स्क्वायर केते जबो 11 स्क्वायर केते 121 एटे आउट कथा तुम कहि रखु छि पिले जे तमे एक ठो आरंभ करी 20 पजे तो ए सब जाकर वर्ग को घुसी कि मने रखि दियो ठीक है तो 11 वर्ग होछि केते छि 121 एबे हम कोन करे देखो पिले ना 12x प्लस 11 रो होल स्क्वायर इज इक्वल कोन जबो ना माइनस 72 जितो हमें 121 कोन करिया एड कर दो मिसे देबा को तो एठियार मूल्य केते प्लस 121 माइनस 72 कर दियो त केते ला 11 माइनस 2 केते 9 हैला एटा छि केते 11 छि 11 7 गेला 4 प्लस त 49 प्लस ला एठी ठीक है त एबा हम कोन करे देखो ना 12x प्लस 11 इज इक्वल कोन जइबो एठी देखो पिले 12x प्लस 11 इज इक्वल कोन जइबो त यार वर्गमूल पलाइसबो ठीक अछि त 49 रे हमें वर्गमूल काढिबा ठीक अछि एठी मु अलग कर दु छी त एठी 12x प्लस 11 इज इक्वल कोन जइबो 49 रे वर्गमूल केतो 50 रे वर्गमूल होइ जइबो केते प्लस और माइनस 7 होइ जइबो कोन पई ना देखो पिले एठी त मन रखो जे प्लस 7 को जदि हमें वर्ग करछे ताहाले 49 होछि सिधि माइनस 7 को मध्य वर्ग करले कोन होछि 49 होछि तेनो ए जो 49 रे वर्गमूल काला समय रे प्लस 7 और माइनस 7 दिड जक होइ छि तेनो प्लस और माइनस 7 बोली कह दउछि तेनो एठा हमर केता आसला प्लस और माइनस 7 आसला या पर देखो पिले कोन करबा एटा मु लिभै दउछि पिले एठ देखो कोन करले तापरे ठीक अछि या पर कोन करे देखो ना 12x इज इक्वल टू कोन जइबो 12x प्लस 11 इज इक्वल कोन करे प्लस 7 गुठर पके आउट माइनस 7 आउट थर पके त एठी कोन जइबो 7 एठ आउट कर दा कोन ना 12x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 7 अर्थात प्लस 7 नै कि हम गुठर कले देन माइनस 7 नै आउट गुठर कले त एठी कोन जइ देखो देन 12x प्लस 11 इक्वल जति 7 होची त 12x इक्वल केते जइबो त 7 माइनस 11 जइबो त केते प्लसला 7 माइनस 11 एबे देखो कोन करियो ना 12x इज इक्वल केतब 7 रे 11 गले केते जइबो या हो जइबो केते ये 4 हि जइबो त केतब रहस माइनस 4 देन x इज इक्वल केते जइबो माइनस 4 / 12 देन आक्स टू कैंसिल करिया 4 के 4 4 के 12 त माइनस 1 / 3 आसला गोटे कर आसला देन जदे हम एपरटा देखिबा ताल देखो 12x इज इक्वल कोन जइबो माइनस 7 माइनस 11 हि जइबो ठीक अछि देन 12x इज इक्वल केतब माइनस 7 माइनस 11 केते माइनस 18 गेला बुझ पाला देन कोन देखो x इज इक्वल हिजबो -18 / 12 आकु जते हम कैंसिल करबा केते हो देखलो ये त 3 चो को 12 300 को 18 2 2 गुणे 4 2 3 6 केता छला ना -3 / 2 बुझ पाला त एठी समाधान केतरा ला 2 टा ला म आगु कहि दिले जे 2 टा मूल्य आसी हो बोली त एठी 2 टा मूल्य आसी त शेषु को हम लिखि दबा देयरफॉर समीकरण रो मूल द्वय समीकरण रो मूल द्वय इज इक्वल कोन हबो ना -1 / 3 गोटे आउटे -3 / 2 गोटे तो ए दीटा ला तार समाधान तो ए प्रकार तमे व्यवहार करी अनुश्रेणी भीतर थिबा प्रश्न को समाधान कर पइबो जोठी तमरो कोन पूर्ण वर्ग परिणत करी समाधान करया पई कह देथिबो त सेठी ए प्रकार प्रणाली अवलंबन करी तुमे ताकू समाधान कर पइबो ठीक अछि त आजरो वीडियो को हम एतिरे शेष करबा जदि वीडियो पसंद लागी तो निश्चित रूपे वीडियो को लाइक करिवो कमेंट करिवो शेयर करिवो आ जदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दियो आ बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर रखिथाओ कारण ए भलिया वीडियो हमें आगो को बहुत गुडे आनिबा को जाउछु तो चलंतु वीडियो को आज पे एतिके शेष करिवा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।